नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लेसन नंबर 14 पढ़ रहे हैं इस समय, और उसमें हमारे दो मॉडल पूरे हो चुके हैं। पहला थॉमसन का मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल, और तीसरा मॉडल बोहर मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं। बोहर मॉडल की संकल्पनाएं हमने पढ़ ली। कल हमने उसकी पहली उपलब्धि जो थी कि स्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका हमने कल परिकलन किया था। अगर त्रिज्या के सूत्र आपको याद हों तो व्यापक सूत्र जो हमारे पास आया था, वो आया था 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कल हम लोगों ने वो पूरा करने के बाद एक न्यूमेरिकल भी हमारे पास है, वो कहता है कि लिथियम प्लस टू सदृश आयन की, मतलब लिथियम प्लस टू जैसा एक आयन है उसकी प्रथम कक्षा की हमें रेडियस निकालनी है। लिथियम प्लस टू, तो समझिएगा एक बार आंसर में अगर हम आए तो बताइए, लिथियम का नंबर यानी परमाणु क्रमांक यानी जेड वैल्यू कितनी है? 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो जेड इक्वल टू 3। और कक्षा कौन सी की बात कर रहा है? वो प्रथम कक्षा की, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, तो n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल्स टू 3। तो क्या सूत्र था आर एन का, लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। हम जानते हैं कि बोर के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या आर एन इक्वल्स टू 53 एन स्क्वायर बाई जेड पी एम, पिकोमीटर में आंसर ला रहा है। लिथियम प्लस टू के लिए z कितना हो जाएगा? 3, और n कितना हो जाएगा? 1। देन आर एन या आर वन बोलेंगे इसको, तो आर वन 53 इंटू 1 का स्क्वायर, n इक्वल्स टू 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? 3। 53 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 17.66 आएगा। मतलब लिथियम प्लस टू आयन के प्रथम क्लास की जो रेडियस है, इट विल बी 17.66 pm। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, पढ़िएगा उसे। अब हम पढ़ते हैं बोर मॉडल की दूसरी उपलब्धि, वो है स्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो किस वेग से घूम रहा है, इसका हमें करना होगा परिकलन। ये हमारी सेकंड उपलब्धि है, कल हमने पहली पढ़ ली थी त्रिज्या वाली, अब हमें उसका वेग निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, वापस वही हम शुरुआत करेंगे बोर के मॉडल की, जो दो अभिग्रहित हैं शुरू वाले उन्हीं को लेंगे। बताइए पहला अभिग्रहित क्या था? अगर बात करें हम लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के लिखने में क्या आएगा? माना एनवी कक्षा की त्रिज्या आर एन है, तथा उस एनवी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कक्षीय वेग वी एन है। तो बोर के प्रथम अभिग्रहित से, वापस नहीं बोलूँगा, पता होना चाहिए आपको क्या है पहला अभिग्रहित। लिखता हूँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि एन वी क्लास है तो वी की जगह वी एन, आर की जगह आर एन, एंड आर की जगह आर एन, और एक आर एन से हम एक आर एन काट देंगे। इक्वेशन बचेगी एम वी एन स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। कल भी यही था, स्क्रीन पे देखिए अपनी पे, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, एम वी एन स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अब बोर के क्वांटम प्रतिबंध, मतलब बोर का द्वितीय अभिग्रहित, उसके अनुसार क्या होता है याद करो, कक्षीय कोणीय संवेग मीन्स एम वी आर इक्वल्स टू कितना होता है? एन एच अपॉन टू पाई, वी की जगह वी एन, आर की जगह आर एन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 बन जाएगी। अब मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ। याद कीजिए कल हमने स्क्वायर से डिवाइड किया था, स्क्वायर करके डिवाइड किया था, आज हम बिना स्क्वायर के डिवाइड करेंगे। एक कल मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, याद रखिए कि जब वी एन निकालना है तो आर एन हटाना पड़ेगा, और जब कल हमें आर एन निकालना था तो हमको वी एन हटाना पड़ेगा। आज जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो भाग दीजिए समीकरण 1 में 2 का, काट रखा है इसने, m से m कट गया और vn से एक vn कट जाएगा,
आर एन से सामने आर एन कट जाएगा, तो हमारे पास वी एन क्या बचेगा, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन में आया एन एच, आर एन से एन कट गया, तो वी एन का जो अल्टीमेट वैल्यू है वो आएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये वी एन की वैल्यू हो गई। अब याद कीजिए कल हमने क्या किया था, हमने आर एन की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने जेड और एन को बाहर निकाल लिया था, वहाँ जेड स्क्वायर एन होगा, एन स्क्वायर जेड होगा सॉरी। यहाँ देखिए तरीका होता है कि नियतांकों को तो अंदर रखेंगे और जेड और एन का जो पद होता है उससे हम बाहर निकालेंगे। लिखा है समीकरण 9 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, जेड और एन को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, एक क्वेश्चन नंबर डाल दिया इसको इन्होंने, नेक्स्ट जो भी है देखना आप। अब उसमें उस समीकरण 4 लिखा होगा, उसको समीकरण 4 में नियतांकों के मान रखने को, जो कॉन्स्टेंट्स उनके मान रखेंगे, कॉन्स्टेंट बोलिए क्या क्या है, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 3.14, के की जगह कल बताया था याद कीजिए किसी को याद हो तो 9 × 10⁻¹, कहाँ आएगा ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में आएगा, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो 1.6 × 10⁻¹⁹, दो बार स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एच में प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻³¹। इन पूरे कांस्टेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पाते हैं कि वी एन की वैल्यू, जैसे कल हमने आर एन की वैल्यू निकाली थी याद कीजिए 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन्ग्स, वैसे आज हमने इसकी निकाली वैल्यू तो ये आती है 2.2 × 10⁶ जेड बाय एन, और साथ में यूनिट भी आएगी इसकी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, ये इसका आंकिक वैल्यू हो गई। ठीक है, एक कुछ 5 डाल दिया इसको हमने। अब अगर कल की तरह ही याद कीजिए, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग हम निकालेंगे अब। ठीक है, तो बताइए हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू कितना हो गया, 1, एंड प्रथम क्लास है तो एन इक्वल्स टू भी कितना हो गया, 1। अब वी वन की बात करें, वी वन क्यों आया यहाँ पे बताइए, क्योंकि वी वन इसलिए आया कि एन की वैल्यू 1 हो गई, तो 2.2 × 10⁶, जेड की जगह 1, एन की जगह 1, सॉल्व किया तो आया 2.2 × 10⁶, मतलब वी वन इक्वल्स टू आया सी अपॉन 137। वाट इज द सी अपॉन 137, समझिए इसको क्या है ये। देखो वी वन की वैल्यू 2.2 × 10⁶ है, और अगर इसकी तुलना प्रकाश के वेग से की जाए, इसके वेग से प्रकाश के वेग से, यहाँ सी जो है प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश के वेग से 1/137 times ये वेग कम है, प्रकाश के वेग से 1/137 times ये कम है। अब ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। अरे भाई 10⁶, 10⁶ कितना हो गया पर सेकंड है, तो वेग बहुत ज़्यादा हो गया। अब जो हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये उसका कोई छोटा मोटा वेग नहीं है, वो बहुत ही लाइटिंग स्पीड से, प्रकाश के वेग से गति करता है। यानी हम नहीं कह सकते कि वो है कहाँ फोकस का, हम नहीं कह सकते कि वो इस समय किस जगह है, एक अप्रोक्सीमेशन ही चलता है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज़ है, 2.2 × 10⁶, इट्स वेरी हाई स्पीड। तो जब ये बहुत हाई स्पीड से घूमता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूछे आपसे कि कितने वेग से घूमता है, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज तो हमारे पास ये आ गई, किसी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के निकाला हम लोगों ने, जेड को 1 किया, एन को 1 किया, तो वी वन आ गया सी अपॉन 137। ठीक है, यह समीकरण एच परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग को दर्शाता है। अब देखो समीकरण 5 में वी एन प्रपोर्शनल टू किसके हो गया, जेड के, और वी एन इनवर्सली जो प्रपोर्शनल है किसके हो जाएगा, वो 1/n के, तो लिखा हुआ है अतः इलेक्ट्रॉन का जो वेग है परमाणु क्रमांक जेड के समानुपाती तथा प्राकृतिक संख्या एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर,
तो ये हमारा सेकंड टॉपिक पूरा हुआ, दैट इज जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग। बेहद सिंपल है, हमें दो वही अभिग्रहित काम में लेने हैं, इक्वेशन वन और टू बन जाएंगे, डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सॉल्व कीजिए, वही स्टेप बेसिकली है जो हमने कल यूज किए थे। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है, सूक्ष्म संरचना नियतांक। यद्यपि ये टॉपिक जो है ठोस अवस्था भौतिकी में काम आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने डाल दिया, थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी, बहुत डीप नहीं जाना इसमें हमें। याद कीजिए, अभी हमने ऊपर V1 निकाला है, V1 कितना आया याद करो, C अपॉन 137। अब आप C को उठाकर नीचे ले आओ तो बचेगा V1 by C is equal to 137। और ये जो V1 upon C है, this V1 upon C, इसको बोलते हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? सूक्ष्म संरचना नियतांक। अगर डिफाइन कर दो कैसे बोलेंगे इसको, बताइए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग V1 तथा निर्वात में प्रकाश का वेग C, उन दोनों का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म संरचना नियतांक। क्या बोलेंगे उसे? सूक्ष्म संरचना नियतांक। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 1/137 तो है ही सामने, दैट इज 1/137। तो अधिकतम एग्जाम में आ सकता है कि सूक्ष्म संरचना नियतांक किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, और इसका आंकिक मान कितना होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा।